एटीएम की हालत ऐसी है कि किसी एटीएम पे जगह नहीं है, ये लाइन लगी हुई एटीएम पे, वो एटीएम में वहां लाइन है, वो एटीएम उस पर लाइन है, वो एटीएम उस पर लाइन है, पांच एटीएम है इधर, पांचों के एवरेज देखे सब पे लाइने लगी है। यार एक मिनट इतनी दूर से इसलिए आया हूँ कि यार इसकी मिनटें करनी पड़ेगी। पैसे यार खुले खुले पैसे ना, मैं मुझे पूरे 1000 दे, तुम्हें 1000 दे रहा है मैंने पूरा 2-500 के। हाँ ये क्या खुले खुले छान पूरा दे रहा है भाई, उससे फिर यही दिए हैं तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो 500 का नोट ही था। आसन से ले ले 500 का एक नोट, उसको खुले दे दे 500 है तेरे को। देख पैसे भी दे रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, अल्लाह वास्ते दे रहा है, मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका आज के व्लॉग में। आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपका भाई भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद है पठान मुस्तजाब साहब, अंगूठियों वाले बाबे। क्या पहना हुआ तेने? ये हमारा स्टाइल है। कौन सा स्टाइल है ये? हमको ये देखो, ये 500 रियाल का इसका कीमत है, 400 रियाल। ओहो, ये अपना एक शो है, ये जो वॉच देख रहा है 4000 रियाल का। शक्ल दिखाओ ना वॉच की। पानी लग गया। अच्छा तो यार अभी ये है कि सैलरी आ चुकी है और अभी हम जा रहे ग्रैंड मॉल। ग्रैंड मॉल अब वो वाला सीन नहीं है कि हम पैदल मुंह चुक के ग्रैंड मॉल पहुंच जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हो चुका है कैंप चेंज और ग्रैंड मॉल से डबल रास्ता दूर हो चुका है। तो आप चल रहे हो हमारे साथ ग्रैंड मॉल? मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं दूसरा काम से जा रहा हूँ। किधर जा रहे हो? दोहा साइड में। हमारे लेके जाओगे दोहा? नहीं, वो थोड़ा काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। नहीं, वो लेने थोड़ा जा रहा हूँ। अच्छा तो मेरे साथ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ आसिम है। आसिम छुप रहा है, पता नहीं क्यों क्यों छुप रहा है ये। वैसे इसने बंगाली वाले से आसिम साहब आसिम भाई यार ट्राउजर तो बहुत ब्रांडेड पहना आसिम तूने। तो यार अभी यहाँ से पैदल नहीं जा सकते, जाएंगे टैक्सी पे और आगे दो और दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो अभी सैलरी भी आ चुकी है, सैलरी भी निकलवानी है। और तूने तो सामान भी लेना या सिर्फ सैलरी निकलवानी है? नहीं देखेंगे उधर जाएंगे। ओ भाई, ओ शर्मीली, ओ शर्मीली लड़की। देख ले शर्मा दे। अच्छा भी कैंप चेंज हो चुका है, मैंने बताया ना आपको, तो कैंप का भी एक वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो वो आपके साथ मुस्तजाब साहब शेयर करेंगे सारा अपना कैंप। शेयर करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, हम आपको अपना अकोमोडेशन दिखा देगा, बाहर व्यू दिखाएगा, ऊपर से जितना व्यू नजर आ रहा है वो सब कुछ दिखाएगा। हां, ऊपर से दुबई नजर आ रहा है सारा। हां, हमारा जिस जगह में रहते हैं वो ऐसा है जैसे तू दुबई के कौन सा जगह, वो मेन जगह है वो बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा हम दिखा देंगे। इधर कतर में भी एक बुर्ज खलीफा है जिसको बोलते हैं सनैया इंडस्ट्रियल एरिया। तो चल अभी भाई निकले, तुम्हें ड्यूटी भी जाना है। काम नंबर लो यार, रास्ते में ढूंढ लेंगे, अभी चलते हैं। मोबाइल चार्जिंग में लगा रहे। तुम नहीं जा रहे, आखिरी फैसला? मैं नहीं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे। हम जाएंगे दोहा के साइड में, निकलते पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अभी बस टैक्सी टुक्सी लेते हैं, यहाँ से ही अजाब पड़ गया कि टैक्सी पे आना, टैक्सी पे जाना, 20 रियाल कराया एक्स्ट्रा ही पड़ गया, वरना पैदल जहां मर्जी निकल जाओ। तो खैर चलते हैं नीचे, टेंशन तो नीचे आ गए, और लेकिन आके इसका रोल नहीं खत्म हो रहा। आसिम साहब भी ये कह रहा भाई किराया भर मेरा आने जाने का, फिर जाऊंगा। अभी चल रहे हो या नहीं चल रहे आप ये बता दो मुझे, या मैं अकेला जाऊं, या मैं अकेला जाऊं। रेंट रूंट नहीं भर रहा मैं, मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ। अच्छा भाई ये चेक करो आप, कैमरे के बाहर बहुत ही खूबसूरत सी BMW खड़ी है, लश पश किस्म की, क्या कमाल की है यार। ओए जब पैसे ना भर रहे हो ना तो ऐसी शक्ल होती है जैसी तेरी आज बनी हुई है। ये दिखा मेरा शक्ल, अपनी शक्ल दिखाओ ना, अबे दिखाओ ना शक्ल, भूख है। अब तू चल रहा है नहीं चल रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तू चल रहा है नहीं चल रहा। मैं भी नहीं, मैं भी मेरा भाई, भाई जा रूम में जा, मैं जा रहा हूँ अकेला। मैं भी तेरे पीछे। क्यों पीछे पीछे मेरे है? पैसे भरने के लिए आगे आ गया तू है, और पैसे ना भरने के लिए, और वैसे भी मेरे पीछे पीछे है भाई। इसने नहीं जाना, मैं अकेला ही जाऊंगा।
अच्छा यार, मैं तो आ चुका हूँ यहाँ ग्रैंड मॉल, और आज ग्रैंड मॉल से भी एक आगे जगह है जिसका नाम है एशियन टाउन, जो यहाँ पे पूरी कॉलोनी है, वहाँ आया हूँ। तो ये सामने मेरी कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, तो एंड तक कोई ये कोई 5 से 8 किलोमीटर की कॉलोनी है। तो अभी बस वहाँ बैठा हूँ, हसन का इंतजार करो, हसन यही आया हुआ था। और आप सोच रहे हो कि मैं अकेला क्यों, आसिम साहब नहीं आए, आसिम साहब का आपने रोला देखा था, किराया भरो किराया भरो। तो उसके बाद मैंने कहा चल चलते हैं, उसके बाद उसने मुंह बना लिया, और खैर छोड़ो यार, समझ से बाहर हसन भी। तो खैर हसन का वेट कर रहा हूँ, हसन पता नहीं किधर है, इधर से निकलेगा शायद, ये इसी B9 में कह रहा था, B9 में। ये बहुत बड़ा एरिया यार, अभी वापस जाते हुए दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये है मेन जो लेबर का और बैचलर का एरिया, ये पूरी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, और यहाँ हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। सामने मेरे खूबसूरत सी मॉस्क्यू है, बहुत प्यारी लग रही है मस्जिद, और ये स्ट्रीट है, यहीं से हम निकल के ग्रैंड मॉल जा रहे हैं सीधा। हसन साहब आ चुके हैं, हसन साहब के साथ कुछ दोस्त है, मस्जिद अच्छी लग रही है सर, मस्जिद खूबसूरत लग रही है। मस्जिद ये सारी है कुछ और है, कुछ और है, सिटी ब्रांच मस्जिद है ना वहीद भाई, मस्जिद कल्चरल सेंटर है वो, अरबिक लैंग्वेज बड़ा खूबसूरत बनाया। अच्छा, भी इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो है ना सबसे अच्छा एरिया जो बैचलर का है, और सारा बैचलर का है। फैमिली में रहती है इधर है? नहीं फैमिली नहीं, ओनली बैचलर्स और वर्क कंपनी एम्प्लॉय। हां हां, तू भी इधर है रे आजकल? मैं भी इधर ही हूं। पहले दौर में लगा होता ना फोन बूथ, भाई कह रहे हैं मुझे ना ये फोन बूथ बिल्कुल ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब ये भी मस्जिद, ये भी मस्जिद है, काफी बड़ी मस्जिद है, और यहाँ अक्सर ही जुमा पढ़ने आते हैं। तो अभी बस अदनान भी आ रहा है वहाँ ग्रैंड मॉल में, बस अभी ग्रैंड मॉल चलते, सामने ग्रैंड मॉल है वो लास्ट में, लेकिन काफी दूर है पैदल चलने का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहुंचे थे ग्रैंड मॉल, सामने ये ग्रैंड मॉल है, काफी बड़ा मॉल है, और इसके सामने ये एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। तो हमने अभी जाना है प्लाजा मॉल, क्योंकि अदनान भी उधर ही आ रहा है, भाई को साथ हसन लेके आए, इन्होंने सबको पैसे निकलवा के देने एटीएम से। तो प्लाजा मॉल है वो दूसरी साइड। अच्छा नहीं, एटीएम की हालत ऐसी है कि किसी एटीएम पे जगह नहीं है, ये लाइन लगी हुई एटीएम पे, वो एटीएम में वहाँ लाइन है, वो एटीएम उस पर लाइन है, वो एटीएम उस पर लाइन है, 5 ATM है इधर, 500 के आवराज देखे, सब पे लाइनें लगी हुई है। हसन साहब अदनान को फोन कर रहे, लाइन का वेट करना पड़ेगा जब तक लाइन में फ्री है, कम से कम मुझे लगता है पकड़ा मिलने लग जाने, तो देखते हैं। अच्छा, 1 घंटे के बाद अदनान आ चुके हैं, बहुत बड़ा जो अफसर है ये, कहाँ था भाई तू? मैं अदनान हूँ, मैं अदनान हूँ, मेरा नाम इनाम है, शेख इनाम, और टाइम पे से पहले कभी टाइम पे पहुंचा ही नहीं, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा टाइम पे यार, हम भी आ रहे थे, वो बंदा था उसने गोल लेना था, तेरे बंदे नहीं मिलते, काला भुट्टा खिला रहा है, भूख बहुत लग रही है भाई, वो खिलाने वाली बात तो के भाई है। जो जब भी आते हैं यार तू पहले खिलाने वाली बात ही करता है, कभी खाने वाली बात हाँ खाऊंगा ना यार, पता नहीं कहाँ से आया हूँ, 43 से कैम चेंज हो चुका है, तू तो फिर भी गाड़ी पे आया है ना? नहीं आया ना, पैदल आए, तुम्हारी ये 2 गलियां भी नहीं है, 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का नहीं बंदा, चल कोई बात नहीं। हसन ने आज बड़े क्या कहते हैं माइंड सेट नहीं किया, उसने बड़ी मेहनत की थी कि आज वो खिलाएगा कौन भाई, मैं तो खाना खा के आया हूँ, इसीलिए मैं पहले ही बोल के, हमने नहीं खाया ना, तो हमें खिला दे बात खत्म यार, अकेले शर्म नहीं आएगी मेरे, जरा भी नहीं आएगी शर्म, कभी भी नहीं आई है। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, फिर देखते हैं इनके क्या हिसाब हो रहे हैं। हसन साहब तुम क्या चीज खवाएगा? हाँ पैसे पैसे तो बहुत है उसके भाई, देखो ना रियाल रियाल रियाल, वो दंगल भी अपने साथ है, नहीं नहीं भैया बहुत यार, भूख बड़ी लगी है हसन, भूख बड़ी लगी है उस दिन, नहीं मैं एक बात बताता हूँ, उस दिन इसने कहा आज मेरे पे पैसे नहीं है सैलरी, आज तो पैसे आज भी नहीं है, सवेरे का तुम्हें ठीक है, अदनान क्या कहेगा, नहीं कहेगा, न्यूटन न्यूटन में काम करता है तू, न्यूटन में
यार एक मिनट एक मिनट, इतनी एक मिनट, इतनी दूर से इसलिए आया हूँ कि यार इसकी मिनट करनी पड़ेगी। पैसे यार खुले खुले पैसे ना, मैं मुझे पूरे 1000 दे, तुम्हें 1000 दे रहा मैंने पूरा 2-500 के। हाँ ये क्या खुले खुले छान पूरा दे रहा भाई उसने, फिर यही दिए हैं तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो 500 का नोट ही था। आसन से ले ले 500 का एक नोट, उसको खुले दे दे 500 है तेरे को। देख पैसे भी दे रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, अल्लाह वास्ते दे रहा है, मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे हैं। यार कैसे आदमी है ना यार, अपने 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 पैसे लेते हुए ड्रामा कर रहे यार। अदनान ये उम्मीद नहीं करते, क्यों ऐसे? मुझे ये उम्मीद थी कि भाई अदनान कहेगा बहुत शुक्रिया देने के लिए। यार क्या आदमी है यार, नहीं चाहिए तुझे देना पैसों को ला लिए यार। तेरे ड्रामे ही नहीं। अच्छा हुआ तूने आज दे दिया, तू कल का कह रहा था, कल मैं कहाँ से लेता। चलो जी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमारे पैसे वापस दे दिए। चलो वो बात की बात है, वापस कब देगा वैसे? ये मेरे अपने है वापस। बहुत मुश्किल से अदनान माना है खाना खिलाने के लिए, वो भी आधे पैसों में। क्या हुआ पूरे दे दे। लेकिन हम यहाँ आए थे, ये हम ग्रैंड मॉल की लास्ट वाली स्ट्रीट में, तो होटल में तो तूने गलत रास्ता जो बताया, अब कह रहा हूँ दूसरी साइड पे है वो, इतना दूर चल के आया पैदल, तो अभी कहीं और है। जो आए थे ना गाड़ी पे आए थे, बस पे आए थे, अभी अंदर चले तो उधर ग्रैंड मॉल वाली, अभी अंदर चले नहीं तो उधर बहुत सारे रेस्टोरेंट देख रहे, कन्फर्म है ना उधर है यार, नहीं तो कोई और देख लें, अगर नहीं है तो इसी लाइन में है पाकिस्तानी बस, चलते। अच्छा भैया दलाल लेके आया हम यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, मिया जी रेस्टोरेंट, और ये ग्रैंड मॉल के तो दूसरी साइड पे, प्लाजा मॉल पे। पहले आए तू इधर, पहले आए इधर? बार आया हूँ मैं। अच्छा चलो देखते हैं, अभी तो मैंने आना छोड़ दिया था। मैं बड़ी साहब को बता रहा हूँ, बड़ी साहब एक पाकिस्तानी और होटल है यहाँ पे, वो जो हम जहाँ जाते हैं ना वो बहुत महंगा है, ये थोड़ा सा सस्ता, देखते हैं खा के इनका टेस्ट कैसा है। यार पाकिस्तानी नहीं है ये, सारा बैठे पाकिस्तानी, यार स्टाफ सारा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं होगा क्या? हो गया ये रेस्टोरेंट, होटल अच्छा बने है, डेकोरेशन बाहर जो है वो सिटिंग एरिया, हम यहाँ बैठ गए कलीन पे और जमीन पे, ये क्या कहते हैं इसको, इस जगह को क्या कहेंगे, बैठक मजलिस, इसको कहते हैं मजलिस, और ये होता है पुरसकून से जमीन पे बैठ के खाओ आराम से। तो अभी ऑर्डर क्या कर रहे हैं? चिकन फ्राई, फुल चिकन फ्राई, साथ में मटन हांडी और चटनी कबाब। स्वीट में क्या खाएगा? ये सब कुछ वीडियो में आना जब आएगा, तो इतनी जोड़ी बोल सच बोलो, सच बोलो, अच्छे ये कि चिकन फ्राई साथ में चटनी कबाब होगी, बस नॉर्मल से बंदे यार हम तो यही खा सकते हैं। तो खैर अभी ऑर्डर करते हैं, आएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। जी माशाल्लाह से खाना शाना आ चुके हैं, और ये आ गई हमारी कढ़ाई जो कि शक्ल से तो बहुत खूबसूरत लग रही है, और ये आ गए चपली कबाब, ये भी मजे के लग रहे हैं दरान, लेकिन काले कुछ ज्यादा नहीं लग रहे ज्यादा ये जी चपली कबाब। शुरू करो जी, शुरू करो, बिस्मिल्लाह। क्या लगता है टेस्ट में? मैं ही करूंगा पहले से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कढ़ाई से कढ़ाई तो पास हो गई है। अदनान ने भी पहले दो खाई है, मैंने भी पहले दो खाई है, और अच्छी है ये हमारे। अब हसन साहब बताएंगे कैसी है। चलो नहीं उसने होनेस्ट बताया कि सही है, जैसी भी है ठीक है, मतलब अपना अपना टेस्ट है यार, जैसा उसको पसंद है। अब चपली को आप भी देख लेते हैं क्या चीज है ये। बिस्मिल्लाह, इसको लगा थोड़ी चटनी, बिस्मिल्लाह।
सही है तूने खाया है ना जैसा नहीं है उधर बहुत अच्छा ये भी एवरेज तो खैर हम कोई फूड व्लॉगर तो है नहीं है, हम बस वैसे ही आपको बता रहे थे कि खाना किस तरह का। तो अब सुकून से खाना शाना खाते हैं, इसकी तारीफें बहुत होगी और बुराइयां भी बहुत होगी हसन की तरफ से। मुकाते हैं फिर बाहर कुछ चाय शाय पियेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा फिर खाना शाना खा लिया अलहमदुल्ला, खाना अच्छा था, इनको पसंद नहीं आया मुझे, बेहतर लगा, अच्छा था। तो बिल कितना बना? बिल को छोड़ो, खैर अदनान ने खिलाया, बिल को छोड़ते हैं। अदनान साहब ये बैठे हैं, हसन साहब वो खड़े हैं एक्सचेंज पे लंबे से, जो आपको नजर आ रहे हैं ना वो हसन साहब है और ये एक्सचेंज है सारी, पैसे भेजने आए पाकिस्तान। तो अभी मुझे कह रहे हैं भाई जरूरत पड़ गई तेरी। अभी मैंने अदनान से लिया पैसे और अब वो कह रहे हैं जरूरत पड़ी है, देखते हैं क्या कहता है वो। अच्छा यार अभी चाय शाय ली है, मैंने बड़ा मना किया था चाय नहीं लेनी क्योंकि मेरी सुबह ड्यूटी है, मॉर्निंग ट्रेनिंग शेरिंग खत्म हो गई है, दो दिन एमओआई ट्रेनिंग चल रही थी तो अब सुबह से ड्यूटी है। तो खैर अभी चाय शाय पीनी है, इन्होंने तो सामने ही चले जाना है, रोड क्रॉस करके सामने इनका कैंप है और कैंप मेरा दूर है, मसला मुझे है, तुम्हारा तो सामने है गली में, पैदल जाना है, तुमने टैक्सी करा देना है। तो वही तो कह रहे हैं, नहीं मैंने टैक्सी पे जाना है, उस पर तेरी क्या है पैसे, तू नहीं भरता पैसों पे? नहीं तो पैसे खर्च करने हैं ना, इसी वजह से टेंशन हो रही है, बाकी टेंशन नहीं हो रही, दूर की टेंशन हो रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आया भी लगनी है, तुम्हारी कौन सी मेहनत लगनी है, जाके कैंप के बाहर से उतरोगे सो जाओगे, सोना नहीं है ना, जाके कोई यूनिफॉर्म सेट करना है, सुबह ड्यूटी है, दो दिन तुम्हें कौन से इस्त्री करना है, दो दिन तो ट्रेनिंग चलती रही है ना, अभी जाके कोई शेव शूव करूंगा कुछ करूंगा, तू भाई बड़ा आदमी है यार, हम तेरे जैसे थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा तो खैर यार छोटा सा व्लॉग था, चली चली आगे तुझे और उसके बाद खाना शाना खाया अदनान से जबरदस्ती। अदनान साहब शुक्रिया, काम भी ले लेंगे मुझे। अच्छा हमने नहीं दिए, कब दिया अपने कैम में। तो खैर छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अदनान के साथ। अच्छा भैया अदनान के स्माइल पे एक सब्सक्राइब कर देना लाजमी। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।